दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने सक्सेस होना है, एक सफल लीडर बनना है, तो आपको ये छोटे छोटे पांच काम करने पड़ेंगे। मैं तो यूँ कहूँगा कि इन पांचों कामों से आपको प्यार करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है लोगों से मिलना पड़ेगा ताकि आप एक बढ़िया टीम बना सकें। जब तक आप लोगों को मिलेंगे नहीं, आपकी टीम डेवलप नहीं होगी। दूसरा है आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। जब तक आप ट्रैवल नहीं करोगे, ट्रैवल से डरते रहोगे, तो आप बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते, और जब तक बड़ा नेटवर्क नहीं बनेगा तब तक आप एक सक्सेस लीडर नहीं बन सकते। तीसरा है आपको सीखना पड़ेगा ताकि आने वाले टाइम में आप अपनी टीम को सिखा सकें। अगर आपने खुद नहीं सीखा होगा तो आप लोगों को क्या सिखाएंगे, आपको सीखना पड़ेगा। चौथा काम, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। किसके ऊपर? अपने ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि आप बिजनेसमैन लगो। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आप एक सफल बिजनेसमैन, एक सफल लीडर नहीं बन सकते। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और पाँचवा और सबसे ज़रूरी, अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कल को आने वाले टाइम में आप भी किसी की अपलाइन बनेंगे। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आपकी टीम भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करो। ये पांचों कामों को आपको प्यार करना पड़ेगा। इन पांचों कामों को आपको प्रायोरिटी बेस पे करना पड़ेगा। छोटे छोटे ये पाँचों काम आपको आपकी मंजिल की ओर ले जा सकते हैं। छोटे छोटे ये पाँच स्टेप हैं, इनको किए बगैर आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आपका मन ना भी करे तो भी आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग बीमार हो जाते हैं तो मेडिसिन खाने का मन नहीं होता, लेकिन ठीक होने के लिए हमें मेडिसिन खाना पड़ता है। उसी तरीके से अगर बिजनेस में सक्सेस होना है, आपका मन नहीं करता इन कामों को, तो भी इन कामों को तो आपको करना ही पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, गुड लक।